ये शहर का गुरु बाजार है सोना बाजार, और हम पहुंचे हैं सोना बाजार गुरु बाजार में। आप देख सकते हैं 6 जून यानी कि ब्लू स्टार को लेकर यहां पर कमांडो की तैनाती कर दी गई है और हम पहुंचे हैं गुरु बाजार। तो आज दिखाते हैं लाइव भारत पर गुरु बाजार का सूरत हाल, और हम आपको बताएंगे कि यहां पर क्यों हैं दुकानदार बेहाल। तो आप देख रहे हैं लाइव भारत पर लाइव तस्वीरें। तो हम आपको बता दें, सबसे बड़ा जाम तो यही है कि यहाँ पर पार्किंग के लिए कोई भी नियमावली नहीं है। जी हाँ, कर देख सकते हैं दोनों तरफ दुकानें खुली हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ये दुकानें कई महीनों बाद खुली हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि हम बता दें कि यहाँ पर पुरुषों का नहीं, महिला दुकानदारों की भी धाक है, जैसा कि हम देख सकते हैं। आपका नाम क्या बहन जी? सीमा। तो कोरोना की सीमा इतनी रही कि आपकी दुकानें इतने 2 महीने के करीब बंद रहीं, अब दुकानें खुली हैं, तो पूछते हैं ग्राहक है या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं है ग्राहक। तो ग्राहक बिल्कुल नहीं है जैसा कि इन्होंने कहा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 6 जून के चलते सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है गुरु बाजार की। जैसा कि आप देख सकते हैं, पुलिस वाले कान पर मोबाइल लेकर चलते हैं, और जब कैमरा देखते हैं तो पीछे पकड़ा देते हैं। तो ये लाइव तस्वीर है लाइव भारत पर, आप देख सकते हैं। तो ये दुकानें तो खुल चुकी हैं लेकिन ग्राहक नहीं है, हम जानते हैं। आपका नाम क्या है? श्यामलाल जी। सर, कोरोना के बाद दुकानें तो खुली, ग्राहकों की क्या स्थिति है? ग्राहक बिल्कुल नहीं है। वजह कि पैसे किसी के पास नहीं है। पैसा किसी के पास नहीं है, तो मैं समझता हूँ कोरोना का संकट केवल 2 महीने नहीं रहा, आगे भी व्यापार पे कई महीनों रहने वाला है। क्योंकि जिस तरह गुरु बाजार है, ये सबसे अमीर बाजार, की आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं लाइव भारत पर। आपको हम बताते हैं सुरक्षा कितनी कड़ी है, और सबसे बड़ी बात, ये गुरु बाजार है और यही मार्केट शास्त्री मार्केट को रास्ता जाता है, और यही रास्ता श्री हरमंदिर साहब से भी जोड़ता है। तो ये रनिंग तस्वीरें आप देख रहे हैं लाइव भारत पर। तो हम आपको बता दें, हमने दुकानदारों से भी बात की, उन्होंने कहा ग्राहक नहीं है। हम और भी बात करें, कंप्यूटर धर्मकंडा, धर्म की बात कीजिएगा, ये बताइएगा कि कोरोना का संकट रहा, उसके बाद में मार्केट खुली, लेफ्ट राइट और ABC अब सब खुल रही हैं, लेकिन ग्राहक है? बिल्कुल कस्टमर नहीं है। ये लोगों के मन में डर बैठा हुआ है, और रियलिटी भी है कि जो है, और हमें इसकी प्रिकॉशन यूज़ करने की भी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। बहुत बड़ी बात की है, धर्म की बात की है, धर्मकंडा चलाते हैं, और ये बताते हैं कि हमें ज़रूरत है हिदायतों की और सरकार के हिदायतों की। तो हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं लाइव भारत पर। ये तो देख सकते हैं लाइव भारत की तस्वीरें हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं ब्लू स्टार के वजह से सिक्योरिटी टाइट है, और गुरु बाजार दुकानें तो खुली, शोरूम तो खुले, लेकिन ग्राहक नहीं है। देख सकते हैं आप, ग्राहक नहीं है, लेकिन दुकानदार दुकान पे तो आएगा ही, उसके बाद में ग्राहकों का इंतज़ार इस गली को भी है। मैं बताऊं, ये हीरा मार्केट है, और यहाँ पर ऐसे हीरा की तरह कारीगर यहाँ पे सैकड़ों रहा करते थे, लेकिन पलायन हो गए हैं। ये हीरा मार्केट है, और सबसे ज़्यादा ज्वेलरी का जो काम है, बारीकी काम, इसी मार्केट में होता है। तो हम जानते हैं चाय वाले से कि उनकी चाय को कितना नुकसान हुआ है। बाबू जी, आपकी चाय को नुकसान कितना हुआ? काफ़ी लेबर चले गए यार, बने लेबर सब, यदि कोई नहीं कमा रहा है। हीरा मार्केट की बात कर रहा हूँ, हीरा मार्केट में अब एक कोई आदमी नहीं है, एक आइए आदमी रहता है बस, और कोई नहीं है। कितने लोग रहते थे बाबू जी? 45 आदमी यहाँ रहते थे बंगाली। तो ये 45 आदमी की बात कर रहा हूँ मैं, हीरा मार्केट के उन कारीगरों की बात कर रहा हूँ जिनके तराशे हुए ही जो वस्तुएं थी, जो सामान थे, जो सोना चांदी के आभूषण थे, पूरी दुनिया में उन 45 कारीगरों की वजह से यहाँ से माल जाता था। तो यहाँ पे लोग हैं, और हम और भी लोगों से बात करेंगे, और हम उनसे जानेंगे आपका नाम, और ये बताइए कि कोरोना के बाद में ग्राहकों का संकट। मेरा नाम सुनील कुमार है, गुरु बाजार से बोल रहा हूँ। यहाँ पे ग्राहकों का ये हाल है कि ग्राहक तो ढूंढने से भी नहीं मिल रहे इस वक्त, और दूसरा लोगों में दहशत बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ग्राहक भी नहीं आ रहे और दुकानदार भी दुकानों पे टाइम नहीं दे पा रहे। तो दहशत है, कहीं ना कहीं दहशत है। तो हम आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं और लाइव भारत पर बताते हैं, और हम आपको और भी आगे लिए चलते हैं मास्क पहन के खड़े हो। और सबसे बड़ी बात, हम आपको बताते हैं कि ये लाइव तस्वीरें लाइव भारत पर हैं, और यहाँ पर कोरोना के संकट के बाद अब एक और संकट आ गया है, वो है ग्राहकों का संकट। ग्राहक नहीं है, कोरोना संकट के बाद ग्राहकों का संकट आप देख सकते हैं। दुकानें क्योंकि ब्लू स्टार है इसकी वजह से बंद भी हैं। तो हम बात करते हैं, आपका नाम? मदन लाल। ये बताइए, कोरोना के संकट के बाद ग्राहकों का संकट है, ग्राहक आए नहीं? जी, ग्राहक नहीं। तो क्या लगता है कि
कोरोना की मार ज़्यादा पड़ेगी। हाँ जी, तो जैसा कि इन्होंने कहा कि कोरोना की मार ज़्यादा पड़ेगी, तो हमने आपको दिखाई गुरु बाज़ार की तस्वीरें। गुरु बाज़ार में लाइव भारत पहुंचा और लाइव भारत ने लोगों से बातचीत भी की और लोगों को विचार भी जाने, दुकानदारों के भी विचार जाने और यहाँ की पब्लिक क्या कहती है वो भी जाना, यहाँ की व्यवस्था भी दिखाई और यहाँ की सुरक्षा भी दिखाई। तो ऐसे ही लाइव भारत पहुँचता रहेगा आपके बाज़ारों में, आपके बाज़ार के कॉलम के तहत। अगर आपको अपने बाज़ार में लाइव भारत की टीम को लेकर आना है, उन्हें बुलाना है, तो 9872900213 द्वारा 9872900 एक ही बार में आ जाएंगे, वादा है लाइव भारत का। देखते रहें आप। जय हिंद, जय भारत। शंकर मालीराम केडिया जी ने और एक्की फ्लो की पूरी टीम ने इनिशिएटिव लिया है।